आप सब मेरा स्क्रीन देख रहे हैं? जिनको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए प्लीज। शुरू करने से पहले गुड इवनिंग टू ऑल। टुडेज आवर टॉपिक इज नंबर। नंबर में हम देखेंगे, देख चुके हैं नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, आप सब जानते हैं। जिससे वचन, वचन किसे कहते हैं, जिसे संख्या का बोध होता है वचन कहते हैं, हिंदी में आप जानते हैं। और वैसा ही इंग्लिश में भी है, जिससे हमें पता चलता है कि पार्टिकुलर नाउन सिंगुलर है या प्लुरल है, एक है या एक से अधिक है। इंग्लिश में आप जानते हैं कि एक या एक से एक को बोलते हैं सिंगुलर और एक से अधिक को बोलते हैं प्लुरल, राइट? यस सर। हाउ विल आई डू? ओके, तो हमने कल देखा था ग्राम इसकी वचन वचन बोल रहा हूँ, हाँ वचन ही है, नंबर का डेफिनेशन देखा था, जिसे संख्या का बोध होता है, हमें पता चलता है कि वन है या टू है। वी आर गोइंग टू डू क्विक रिविजन ऑफ दिस, बिकॉज हम इसमें सिंगुलर से प्लुरल बनाने के 9 रूल्स हमने देख लिया है, लेकिन आज फिर से रिविजन करते इसको खत्म करना है हमें। तो सिंगुलर आप जानते हैं किसे कहते हैं, जिससे कि किसी पर्सन या थिंग का, आप जानते हैं काउंटेबल नाउन्स का ही होता है, पर्सन या थिंग का एक होने का बोध होता है उसे सिंगुलर कहते हैं, उदाहरण आपके सामने है। प्लुरल बहुवचन किसे कहते हैं, जिसे पर्सन या थिंग के एक से अधिक होने का, मोर देन वन, एक से अधिक होने का बोध होता है। इसमें आपको बताया था कि अगर 1.25 भी है तो यह भी प्लुरल ही होगा, एक ही सिंगुलर होगा, और एक से थोड़ा भी अधिक कुछ भी हो गया तो वह प्लुरल ही कहलाएगा, चाहे 1.001 ही क्यों ना हो। हाँ, आपको उदाहरण दिया था कि रूपी जो कि एक काउंटेबल नाउन है, अगर हम बोलते हैं कि मेरे पास एक 1 रुपी 25 पैसे हैं, तो हम कहेंगे कि 1 रुपी 25 पैसे प्लुरल कहलाएगा, क्योंकि यह एक से अधिक है। कल बताया था आपको, ये भी बताया था कि हम पढ़ रहे हैं नाउन्स का नंबर, लेकिन लेकिन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब का भी नंबर होता है, जिसके बनाने के चेंज करने के नियम ऑलमोस्ट ऐसे ही होंगे जैसे कि नाउन को चेंज करने के नियम है। इसमें नियम हमने देखा था पहले, कल सबसे पहले, कि जो भी सिंगुलर होगा उसके अंत में, जो भी नहीं, मोस्ट ऑफ द नाउन्स, अधिकतर नाउन्स जो सिंगुलर होते हैं उनके अंत में हम एस लगा देते हैं और उनका बन जाता है प्लुरल, उदाहरण आपके समक्ष है। यह रूल नंबर एक था। दूसरा रूल था, रूल नंबर एक था, अंत में एस लगाते हैं। दूसरा रूल था कि अगर इंग्लिश वर्ड के अंत में एस, एस एस, सी एच, एस एक्स, ओ एक्स जेड रहे, तो ऐसी स्थिति में वैसे शब्द के साथ ई एस लगाते हैं और तब बनता है वह प्लुरल। यह हो गया रूल नंबर दो, उदाहरण आपके समक्ष है। जो नए हैं आप लोग पूरा धीरज रखिए, क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं। फिर तीसरा रूल था कि अंत में ओ रहे, क्योंकि यह दूसरा में ओ देखा था आपने कि अंत में ओ रहेगा तो एस लगाते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन हमारे पास है कि अंत में ओ रहे तो कुछ ऐसे नाउन्स हैं कि ओ रहने पे भी वहां पे केवल हम एस लगाते हैं, उदाहरण आपके सामने। और कल हमने इस पे डिस्कशन किया था, एक एक शब्द पे क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, क्या इसका मतलब होता है हिंदी में। हमने फोर्थ रूल देखा था कि अंत में वाई रहेगा तो हम क्या करेंगे, वाई को ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, और वाई की जगह पे 3 लेटर्स आई ई एस लिख देंगे, और इस तरह से उदाहरण आपके समक्ष है। ये पहले रूल में देखा कि मोस्ट ऑफ द नाउन्स के अंत में एस लगाते हैं। दूसरे में देखा कि अगर नाउन्स के अंत में एस, एस एस, सी एच, एस एच, ओ एक्स जेड रहने पे हम लगा देते हैं उसमें ई एस, अगर अंत में ओ हो तो यह कुछ एक्सेप्शन में आता है। याद कर लिया था हमने शब्दों को, ध्यान रखा था कि इनके साथ हम खाली एस लगाते हैं, और 4 आपके सामने है, वाई को ड्रॉप करके हम आई एस लगाते हैं। फिर 5 में था कि अंत में वाई होगा, लेकिन वाई के पहले अगर वोवेल होगा तो फिर हम खाली एस लगाएंगे। क्या आप सब मेरी बातें सुन रहे हैं? ओके ओके ओके,
तो यह पांच नंबर रूल चार नंबर का एक्सेप्शन हो गया। देखिए यहाँ पे वाई है, उसके पहले यहाँ पे वोवेल है, इसलिए केवल एस लगाएंगे और जितने भी वर्ड्स लिखे हैं सब इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो हम एग्जाम्पल पे नहीं जाएंगे बिकॉज वी आर डूइंग क्विक रिविजन ऑफ एस्टरडेज क्लास। फिर इसमें लास्ट में एफ चाहे एफ ही जब रहेगा इंग्लिश सिंगुलर वर्ड के, तो उस एफ एफ ही को हटा देते हैं और वहां पे जोड़ देते हैं वी ई एस। देखिए यहाँ पे पहले उदाहरण में जो नाइफ है इसमें एफ ई है, उस एफ ई को हटा दिया और वहां पे वी ई एस जोड़ दिया। यह हो गया रूल नंबर सिक्स। रूल नंबर वन याद होगा, टू आपको याद होगा, थ्री कल ही याद किया था, फोर कल ही याद किया था और फाइव भी सिक्स नंबर आपके समक्ष हो गया। सेवन नंबर में एफ और एफ ई का एक्सेप्शन है, इसमें एफ और एफ ई अंत में होगा तो हमने देखा था पांच में कि एफ या एफ ई को हटाते हैं और वी एस लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स हैं सिंगुलर वाले जहां पे हम एफ एफ ई रहने पे भी हम खाली एस ही लगाते हैं और एफ एफ ई को भी रहने देते हैं। जैसे कि पहला था सेफ, जिसका उच्चारण आप सबको पता होना चाहिए, सेफ है, इसका हिंदी होता है रसोईया। तो यहाँ पे एफ होने के बाद भी हटाया नहीं, खाली एस लगा दिया है और इन सब शब्दों को हमने पूरा ध्यान से बारीकी से देखने की कोशिश करी थी ताकि हमें याद रहे। तो ये उदाहरण है सात नंबर रूल के अनुसार ही। आठ नंबर में हमने देखा था कि कंपाउंड नाउन वर्ड्स होगा, सिंगुलर कंपाउंड वर्ड्स जैसे कि ये, और इसमें कंपाउंड वर्ड्स वैसे होते हैं जो एक से अधिक शब्दों से बनते हैं। तो एक कंपाउंड वर्ड्स जो नाउन का काम करेंगे और सिंगुलर होंगे, तो इनका प्लुरल बनाने के लिए इनके मेन वर्ड में जो मेन वर्ड होता है उसमें हम जोड़ देते हैं खाली एस। जैसे ब्रदर है तो यहाँ पे ब्रदर्स कर दिया, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। हम बताया था मैंने कल भी कि मेन वर्ड का पोजीशन कहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए ब्रदर इन लॉ में तो फर्स्ट में है और स्टेप डॉटर में लास्ट में है, यहाँ पे डॉटर में हमने एस जोड़ दिया है। अब आगे बढ़ते हुए नौ नंबर जो कल हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, इसमें था कि कुछ सिमिलर नाउन्स होते हैं जिसके बीच के वोवेल को ही बदल देते हैं। जैसे कि मैन का वोवेल बदल कर ए का बदल कर ई कर दिया, मेन हो गया। हाँ, फुट में डबल जो ओ ओ है उसे बदल कर ई ई कर दिया। तो इस तरह से हमने कल नौ रूल्स पढ़े थे सिमिलर से प्लुरल चेंज करने के लिए नाउन के। अब आज दसवां रूल्स, सब लोग तैयार हो गए, सुन रहे हैं सब लोग? ओके, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जो नए बच्चे हैं आप सब, अब भूल जाए कि कल क्या पढ़ाई हुई थी, उससे बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। आप अभी ध्यान से देखेंगे इसको बहुत, ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे टेबल के अंदर, ये सारे फॉरेन वर्ड्स हैं। फॉरेन वर्ड्स किसे बोलते हैं? इंग्लिश भी तो हमारी भाषा नहीं है, लेकिन इंग्लिश के लिए फॉरेन वर्ड्स हैं। फ्रेंच हो सकते हैं, जर्मन हो सकते हैं, कोई और लैंग्वेज का वर्ड हो सकता है जो कि इंग्लिश में अधिक यूज होता है और उसका सिंगुलर प्लुरल करना पड़ता है। समझ रहे हैं आप सब? प्लीज कंफर्मेशन दीजिए। देखिए देखिए, फॉरेन वर्ड्स उन्हें कहते हैं जो इंग्लिश में इंग्लिश के अतिरिक्त किसी और भाषा से आते हैं, हो सकता है जर्मन हो, फ्रेंच हो। हाँ, इस तरह के वर्ड्स मतलब इंग्लिश में इंग्लिश नहीं है रियली, ये किसी और भाषा के हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी में भी हम कितने इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग करते हैं ना, तो आपको समझ में नहीं आता है कि कब वो हिंदी है कि इंग्लिश है। ऐसे ही इंग्लिश में कुछ और भी दूसरे देशों के जो वर्ड्स हैं उसका प्रयोग होता है। अब हुआ क्या कि इनका बहुत अधिक प्रयोग होता है, इसलिए हमें सीखना पड़ता है इनका भी सिंगुलर से प्लुरल बनाना। तो यही है फॉरेन वर्ड्स, जिसका प्लुरल कैसे बनता है, कोई एक विशेष रूल नहीं है, कुछ क्लासिफिकेशन किया है। कलर से देख सकते हैं कि रेड वाला एक जैसा रूल पे फॉलो करेगा, यहाँ फिर ब्लैक वाला है एक रूल पे फॉलो करेगा, यहाँ पे जो है पर्पल कलर में एक रूल फॉलो करेगा, फिर यहाँ ब्लैक वाला एक रूल फॉलो करेगा और कुछ और भी होगा जो कि लास्ट में एक्सरसाइज में बता दूंगा, वो किसी भी रूल को इनमें से चारों रूल में से किसी को फॉलो नहीं करेगा। राइट, बिल्कुल ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अभी करते क्या है, यहाँ पे देखा देखिए इसमें सिंगुलर लिखा है और फिर इधर कोरस्पोंडिंग प्लुरल लिखा है, मतलब जो इधर सिंगुलर में होगा उसी का प्लुरल लिखा है। मैं सबका मतलब सबका उच्चारण बताऊंगा, आप सबको क्या करना, ध्यान से देखना है, याद भी रखना है।
अगर अंत में ईवेस होता है तो ईवेस को आई में बदलते हैं, एक रूल बनाने की कोशिश की गई है। अगर फॉरेन वर्ड के अंत में ईवेस होता है तो उस ईवेस को चेंज करके आई कहता है। देखिए यहाँ पे रेडियस, रेडियस को चेंज करके आई कर दिया गया है। रेडियस में क्या है, आर ए डी आई यू एस है ना, इस ईवेस को हटाया गया तो आर ए डी आई बचा, और एक और आई जोड़ दिया गया तो आर ए डी डी सॉरी आर ए डी आई आई हो गया। हाँ ऐसे ही कैक्टस, इसका ईवेस को हटाकर यहाँ पे आई कर दिया, कैक्टी हो गया है। स्टिम्यूलस, इसको कर दिया स्टिम्यूली कर दिया गया है। यहाँ पे लोकस, तो यहाँ पे लोकी कर दिया गया है। अब हम पहले इसको खत्म करते हैं, ईवेस को हटाकर ई किया है, आई किया है। रेडियस की हिंदी आपको पता है, हिंदी रेडियस की, हाँ मैथ्स में त्रिज्या होती है, तो रेडियस को पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रेडी, क्या पढ़ते हैं रेडी, याद रहेगा आप सबको, यस सर। उधर का तो पढ़ने आएगा रेडियस तो, हाँ तो इसको पढ़ते हैं रेडी। अब इधर कैक्टस, कैक्टस आप देखे हैं जो मरुस्थल में पाया जाता है पौधा, कंटीला वाला पौधा होता है कैक्टस, आप सबको उच्चारण करने आएगा इसका। कैक्टस का मतलब कैक्टस, नागफनी कुछ भी कह लीजिए, कैक्टस को बोलते हैं कैक्टी, क्या बोलते हैं कैक्टी, इसको बोलते हैं कैक्टी। अब जानते हैं सिंगुलर से प्लूरल है तो मतलब तो हिंदी तो वही होगी ना। थोड़ा सा करता हूँ, विजिट करता हूँ कौन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक मिनट होल्ड करिए आप लोग। आप सबको जहां डाउट होगा, जो नए बच्चे हैं जो पुराने भी हैं, जहां डाउट होगा पूछिएगा। फिर स्टिम्यूलस, इसको पढ़ते हैं एसटी म यू लस, स्टिम्यूलस इसको बोलते हैं। स्टिम्यूलस की हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है प्रोत्साहन, प्रोत्साहन ठीक है, स्टिम्यूलस की हिंदी होती है प्रोत्साहन, और इसको पढ़ते हैं एसटी मयूली, एसटी म्यूली, समझ रहे हैं आप सब। फिर है यहाँ पे लोकस, लोकस का हिंदी होता है मैथ में बोले तो केंद्रक, सामान्य भाषा में बोले तो ठिकाना, और इसका इसका उच्चारण होता है लोकी, समझ रहे हैं आप। फॉरेन वर्ड्स हैं, उच्चारण करने ही नहीं आता हमें, इसलिए मैं कोई एस्पेक्ट नहीं छोड़ रहा, हिंदी भी उच्चारण भी। पहला रूल क्या हो गया, ईवेस रहेगा उसको आई बदल देंगे, रेडियस रेडी, कैक्टस कैक्टी, स्टिम्यूलस स्टिम्यूली, लोकस लोकी, ठीक है। फिर उसके बाद फॉरेन वर्ड्स, अगर अंत में आईएस रहेगा तो उस आईएस को ईएस कर देते हैं। देखिए एक्सिस चेंज किया गया, आईएस को ईएस किया गया। एनालिसिस, तो इसको ये एनालिसिज ये कर दिया गया। क्राइसिस, क्राइसिज, समझ रहे हैं आप सब। उच्चारण भी देखिए, एक्सिस तो आपको आप सबको आता है, एक्सिस इसको बोलते हैं एक्सिज, ठीक है। एक्सिस मतलब क्या होता है, धुरी, दूसरा भी हो सकता है मित्र। एनालिसिस, ए ना ली सिस, इसको इसका मतलब होता है विश्लेषण, विश्लेषण। एनालिसिस का मतलब क्या होगा, इसको पढ़ेंगे आप तो मतलब निकाल लेंगे, बहुवचन करना है खाली, एना ली सिज। क्राइसिस, क्राइसिस मतलब क्राइसिस, हाँ क्राइसिस मतलब संकट, इसको बोल देंगे क्राइसिज, समझ रहे हैं आप सब। तो हम सर। हमने पहले देखा अंत में, हाँ बोलिए, किसी को बोलना है, अंत में इवेस रहेगा तो उसको हम आई बदल देंगे, रेडियस कैक्टस स्टिम्यूलस लोकस, सबका आप आराम से बना सकते हैं प्लूरल, याद रहेगा ये चारों याद रखिए। फिर अंत में आईएस रहेगा तो उसको ईएस कर देंगे, एक्सिस एनालिसिस क्राइसिस, एक्सेस
एक्सीज एनालिसिस क्राइसिस। अब है अंत में ओएन रहेगा तो उसको ए में बदल देंगे। देखिए क्राइटेरियन को इसको ए कर दिया, फिनोमिनन इसको ए कर दिया फिनोमिना। क्राइटेरियन मतलब क्या होता है, क्राइटेरियन किसी को पता है क्राइटेरियन मतलब? क्राइटेरियन मतलब मापदंड, ठीक है। क्राइटेरिया हो, हाँ बिल्कुल क्राइटेरिया। फिनोमिनन का दो मतलब, एक तो घटना लिखेंगे, इसका उच्चारण मैं यहां लिख देता हूं फिनोमिनन, ठीक है, घटना लिखेंगे और एक प्रवृत्ति लिखेंगे, प्रवृत्ति स्वभाव हाँ कह सकते हैं, इसको बोलते हैं फिनोमिना, फिनोमिना। बच्चों ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, अभी हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं। हम अभी कहा आपको बता चुका हूं पहले, बार बार पढ़ेंगे, अभी हम दो बार तीन बार पढ़ेंगे और। तो बेसिक में भी जो इम्पोर्टेंट है, एक बहुत जो बीबीआई करते हैं ना आप लोग, बीबीआई एक बीबीआई कर लीजिएगा, इसको आयता ही आता है, इधर से ही पूछता है। तो चेंजिंग ओ एन टू ए मतलब ओ एन को ए बदलते हैं। देखिए क्राइटेरियन मतलब मानदंड, क्राइटेरिया फिनोमिनन तो फिनोमिना। किसी को पूछना है यहां तक पूछिए। आई नीड कंफर्मेशन फ्रॉम योर साइड। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर अंत में यूएम रहेगा तो उसे बदल देंगे ए में। जैसे देखिए स्टेडियम मतलब बाद में पढ़ेंगे स्टेडिया, बैक्ट्रियम बैक्टीरिया नाम तो जानते होंगे आप सब, करिकुलम करिकुला, मीडियम मीडिया। स्टेडियम का मतलब क्या होता है, स्टेडियम होता है पता है आपको? स्टेडियम का मतलब स्टेडियम होता है, इसको स्टेडियम का मतलब स्टेडियम चाहे मंच, और ये हो गया स्टेडिया। फिर यहाँ पे है बैक्ट्रियम, इसका मतलब क्या होता है बताइए, बैक्ट्रियम का मतलब जीवाणु, हाँ बैक्टीरिया। करिकुलम इसको देखिए, करी हिंदी बताइए, करिकुलम पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम इसको बोलते हैं करिकुला। फिर है मीडियम, आप सबको ये पढ़ने भी आता है और इसका मतलब ही पता है, इसको बोलते हैं मीडिया, मतलब लिख देता हूं मीडियम मतलब माध्यम। तो इस तरह से देखिए दीज आर फॉरेन वर्ड्स और इनका बनता है प्लुरल कैसे, चार रूल दिया है। अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे आज में हम, तो उसमें भी कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ा है मैंने, जिसको यहाँ पे रूल पे फॉलो नहीं हो रहा था, तो वहां पे एक्सरसाइज में बता देंगे। आप सबको इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए और स्क्रीन शॉट लीजिए और कन्फर्मेशन दीजिए मुझे। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, जैसे हम पढ़ाई करते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो वैसे ही जब हम मीडियम्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पर प्लुरल बोलना हो तो मीडियम्स नहीं बोलेंगे, प्लुरल के जगह पे प्लुरल में हम मीडियम का प्लुरल मीडिया बोलेंगे। आप मीडिया का मतलब कदापि ये अभी मत निकालना कि जो टीवी और ये सब प्रिंट मीडिया ये सब है उनका, मीडिया का मतलब मीडियम का प्लुरल भी होता है, और मीडिया जो आप समझ रहे हैं प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया ये सब तो है ही, लेकिन मीडियम का प्लुरल मीडियम्स नहीं मीडिया होता है। समझ में आया क्या? किसका मतलब? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, आप सब तो लिखते हैं, मैं भी तो उसी गांव से हूँ। हम सब क्या करते हैं, हम सब क्या करते हैं, किसी प्रश्न पे वीवीआई लिख देते हैं, वीवीआई लिखते हैं ना, मैं वही किया हूँ वीवीआई। तो
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूछेगा ही पूछेगा, और जो कंपोजिशन सेक्टर हम पढ़ेंगे तो वहां तो आता ही आता है, इसका यूज करना ही करना है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। नाउ नाउ देखिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये क्या है एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस मतलब अपवाद जो हमें याद रखने हैं। यहाँ पे क्या है, दीज आर सम नाउन्स विच आर सेम इन सिंगुलर एंड प्लुरल। सिंगुलर में भी ऐसा ही होता है और प्लुरल में भी ऐसा ही होता है। जब हम एक्सरसाइज देखेंगे 20 उसमें वर्ड्स हैं तो उसमें मिलेंगे, हो सकता है इसमें से कुछ। बोलूंगा कि शिप का प्लुरल बनाओ, शिप का प्लुरल क्या होगा, होता ही नहीं है, शिप का तो शिप ही होता है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर और प्लुरल एक ही होता है। आपका मर्जी किस सेंस में आप इसको यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसको उदाहरण पढ़ने से पहले सेंटेंस से समझ लेते हैं। डियर उदाहरण में है, यहाँ पे डियर लिखा है, डियर के पहले अ लिखा है ना, अ लिखते हैं आप जानते हैं सिंगुलर के साथ लिखते हैं अ। और यहाँ पे मेनी, डियर के पहले यहाँ मेनी लिखा हुआ है। मेनी मतलब आप जानते हैं प्लुरल के, मेनी के बाद प्लुरल वर्ड का यूज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डियर्स, तो इसका क्या मतलब है कि डियर का अगर सिंगुलर में यूज करना है तो डियर ही लिखेंगे, और प्लुरल में यूज करना है तो डियर ही लिखेंगे। और ऐसे ही अगर एडवाइस, डियर, लगेज, म्यूजिक, स्पेसीज, शिप, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, स्टोन, स्कोर शब्दों का प्रयोग करेंगे आप अंग्रेजी में, तो आपकी मर्जी इसको सिंगुलर में करिए चाहे प्लुरल में करिए, इसमें बदलाव नहीं करेंगे आप। स्पेसीज, अब यहाँ पे देखिए स्पेसीज जो हो गया यह सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है, ये से है तो आप इसको प्लुरल मत समझ लेना। इस एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट ये दोनों सिंगुलर भी है प्लुरल भी, इनका प्लुरल नहीं बनता है। हाँ शिप का भी नहीं बनता है, म्यूजिक का भी नहीं बनता है, बैगेज का भी नहीं बनता है, एडवाइस मतलब सलाह इसका भी नहीं बनता है, स्टोन का मतलब जानते हैं, और स्कोर का मतलब आप जो एग्जाम में स्कोर करते हैं। हाँ 100 में आप 95 96 लाते हैं उसको स्कोर बोलते हैं, तो आप कभी भी स्कोर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, स्टोन के साथ कभी स्टोन्स का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ स्पेस क्राफ्ट और एयरक्राफ्ट के साथ एस का प्रयोग नहीं करेंगे, शिप हमेशा प्लुरल भी ऐसा ही होता है, और स्पेसी सिंगुलर प्लुरल दोनों ऐसा ही है। ठीक है, पूछना है किसी को, सर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। सर हाँ जी, बोले सर कि अगर ये सब सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम होता है तो चेतन कैसा बात। हाँ सिंटेक्स में जो आपने पढ़ा है कि आप जो सेंस आपको वहां पे लग रहा है, जिस सेंस में आप प्रयोग करना चाह रहे हैं सिंगुलर में, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे अ डियर सिंगुलर, सिंगुलर दिखा रहा है ना, आपने पढ़ा है ना कि अ डियर सिंगुलर है, आप समझ रहे हैं। इसके इसके साथ हम, इसके साथ हम वाज का प्रयोग कर रहे हैं ना, वाज है ना यहाँ पे, यहाँ तो वर्ड तो है नहीं, वाज है, राइट, समझ रहे हैं। तो जब आप सिंगुलर, हाँ जी हाँ देयर वॉच, हाँ, हमने हमने जब पढ़ा था ये सिंटेक्स का रूल, सिंटेक्स का रूल नंबर 2 था शायद। हाँ 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 सेकेंड रूल था कि सेंटेंस का पैटर्न अगर होगा, सेंटेंस के शुरू में होगा देयर चाहे हियर, तो इसके बाद होता है वर्ब और इसके बाद होता है सब्जेक्ट। ठीक है, वहां पर हम इस रूल को याद करते तो फॉर्मेट भी याद कर रहे थे। अगर सेंटेंस के शुरू में हियर या देयर होता है तो उसके बाद वर्ब होता है, चाहे वो मेन हो चाहे हेल्पिंग हो, और फिर होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए देयर है, यहाँ पे वर्ब है, और यहाँ पे अ डियर सब्जेक्ट है। तो मैंने कहा था उस वक्त कि सब्जेक्ट नॉर्मली हमें क्या मिलता है, सेंटेंस के शुरू में मिलता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब के बाद मिलेगा, तो हम पहले सब्जेक्ट को देखेंगे तब वर्ब को चेक करेंगे, वर्ब उसके अनुसार है कि नहीं है। आपका डाउट क्लियर हुआ अभी? सर इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है शायद आप सबने। यस सर नेक्स्ट वन इज, हमने अभी क्या पढ़ा था,
हमने अभी पढ़ा था कि वर्ड्स हैं एडवाइस, डियर, बैगेज, म्यूजिक, स्पेसिस, शिप, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, स्टोन, स्कोर। याद करना है हमें, ये सब सिंगुलर भी हैं, प्लुरल भी हैं। अभी ये जो वर्ड्स हैं, सम नाउन्स कैन नॉट बी यूज एज सिंगुलर, इनका सिंगुलर में प्रयोग नहीं करते हैं, इनका हमेशा ऑलवेज दे आर ऑलवेज यूज एज प्लुरल, इनका हमेशा प्रयोग प्लुरल जैसा ही करते हैं। देखिए गुड्स, गुड्स का प्रयोग हमेशा प्लुरल जैसा करते हैं। गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान, या कहिए जो फ्रेट होता है, माल होता है जो हम बेचते खरीदते हैं वो। कंग्रेचुलेशंस, यह भी प्लुरल होता है। सीजर्स, कैंची। सनग्लासेस, चश्मा। ट्राउजर्स, जो हम पैंट पहनते हैं। शॉर्ट्स, जो हम जो नीचे जो हाफ पैंट पहनते हैं उसे बोलते हैं शॉर्ट्स। थैंक्स, क्लॉथ्स, स्टाफ, स्पेक्टेकल्स। ठीक है, ये हमेशा प्लुरल में होते हैं। आप यहाँ पे एक शब्द देख रहे हैं स्टाफ, जिसके अंत में एस भी नहीं है, लेकिन इसे भी हमेशा हम प्लुरल में प्रयोग करते हैं। स्टाफ का मतलब होता है लोग, जो काम करते हैं साथ में वो लोग बोलते हैं, किसी एक इंस्टीट्यूशन के जो लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं स्टाफ। ठीक है, गुड्स का मतलब पता है, कंग्रेचुलेशंस का मतलब पता है बधाइयां, सीजर्स का मतलब कैंची, सनग्लासेस का मतलब चश्मा, ट्राउजर्स का मतलब पैंट, और शॉर्ट्स का मतलब जो आधा वाला होता है पैंट, उसे क्या बोलेंगे? शॉर्ट्स का मतलब हाफ पैंट आप कहते हैं उसको। थैंक्स, क्लोथ्स, स्टाफ, स्पेक्टेकल्स मतलब इसे भी बोलते हैं चश्मा। इसको धूप धूप चश्मा बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये जितने शब्द नीचे लिखा हमने, इनका प्रयोग हमेशा प्लुरल में होता है। उदाहरण में देखिए, सीजर्स है, आई नीड अ पेयर ऑफ सीजर्स। पेयर प्लुरल होता है, आप जानते हैं यह कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा क्या आता है? प्लुरल आता है ना वर्ड। जैसे उदाहरण क्या है? अ मर्डर ऑफ, क्या होता है? हाँ, अ मर्डर ऑफ क्रोज। यहाँ पे क्या होगा? ए मर्डर क्या है, हमने पढ़ा है कॉमन नाउन में, तो मर्डर क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, क्रोज के साथ यूज होता है। तो यहाँ पे जो भी नाउन होता है प्लुरल होता है। तो यहाँ देखिए पेयर क्या है? कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ जो भी नाउन आएगा प्लुरल आएगा ना, तो सीजर्स प्लुरल है, साबित हो रहा है। फिर ऐसे ही विच ब्रांड ऑफ सन ग्लासेस डू यू वियर, सन ग्लासेस है तो सन ग्लासेस ही प्रयोग, सन ग्लास नहीं होगा, तो यहां भी इसका प्लुरल के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पे ब्रांड्स हो जाता अगर हम इसे प्लुरल, इसे हम करते, इसका कैसे डिस्क्राइब करें? सनग्लासेस प्लुरल है, प्लुरल का रूप में प्रयोग हुआ है। हाँ डेफिनेटली, विच ब्रांड ऑफ सनग्लासेस डू यू, इसके अनुसार कुछ वर्ब ही नहीं आया है, इसलिए वर्ब का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। तो यहाँ आपने देखा कि ये जितने वर्ड्स हैं, गुड्स, कंग्रेचुलेशंस, सीजर्स, इसको पढ़ते हैं सीजर्स, सीजर्स, सनग्लासेस, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, इसको पढ़ते हैं शॉर्ट्स। ठीक, थैंक्स, क्लोज, स्टाफ, स्पेक्टेकल्स, टैकल्स। ठीक है, सहाय। तो ये जितने वर्ड हैं हमेशा प्लुरल होते हैं। इसके पहले क्या पढ़ा था? एडवाइस, डियर, बैगेज, म्यूजिक, स्पेसिस, शिप, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, स्टोन, स्कोर, ये सिमिलर भी होते हैं, प्लुरल भी होते हैं। लेकिन जितने ये हैं, गुड्स, कंग्रेचुलेशंस, सीजर्स, सनग्लासेस, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, थैंक्स, क्लोज, स्टाफ, स्पेक्टेकल्स, ये सारे के सारे प्लुरल हैं। अब यहाँ पे सम नाउन्स लुक प्लुरल। एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं इसमें? एक मिनट फिर समवन हैज रिक्वेस्टेड। नो रिक्वेस्ट।
हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं। अच्छा है क्या? हाँ विच ब्रांड ऑफ सन, हाँ ठीक है समझ में आया मुझे भी, कभी कभी होता है सनग्लासेस, विच ब्रांड ऑफ सनग्लासेस मतलब किस कंपनी के सनग्लास आप प्रीफर करते हैं, तो हाँ विच ब्रांड ऑफ सनग्लासेस डू यू प्रीफर, इसका मतलब कि किस कंपनी के सनग्लास आप पसंद करते हैं, तो बात यहाँ पे सनग्लास की ही हो रही है। हाँ मैंने स्किप किया था विच ब्रांड ऑफ, तो यहाँ पे सनग्लासेस अगर प्लूरल नहीं होता तो यहाँ पे डज का प्रयोग होना चाहिए था, तो प्लूरल है इसलिए इसके साथ डज का प्रयोग नहीं डू का प्रयोग हुआ है। समझ गए होंगे आप लोग क्लेरिफिकेशन मेरा। ठीक है थोड़ा होल्ड करिए, समवन हैज रिक्वेस्टेड और समवन हैज रिज्वाइन, आई डोंट नो। यस व्हाट इज टाइम, 8:33 वी आर लैगिंग बिहाइंड टुडे। हम बहुत पीछे चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देख रहे हैं सम नाउंस लुक प्लूरल मतलब उसके अंत में एस होता है बट सिंगुलर होते हैं वो, देखिए कैसे। मैथमेटिक्स, एरोबिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, एनल्स, एसेट्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, इनिंग्स, ये जितने हैं सबके अंत में एस है, तो मैथमेटिक्स तो आप समझ जाएंगे आपको याद रहता है, लेकिन बाकी सबको ध्यान रखना है। एरोबिक्स क्या है, एक्सरसाइज होता है एक तरह का, तो ये सारे के सारे सिमिलर होते हैं। एरोबिक्स, एरोबिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, इसको बोलते हैं एनल्स। एनल्स मतलब ये ल छोड़ दिया, एनल्स, एनल्स मतलब होता है इतिहास। एसेट्स मतलब संपत्ति, पढ़ते हैं इसको एसेट्स। ठीक है इधर रिकेट्स तो पता है आप सबको, बीमारी है एक, बिलियर्ड्स गेम का नाम है, इसको बोलते हैं बिलियर्ड्स। और ये है इनिंग्स, इनिंग्स मतलब इनिंग्स, इनिंग्स मतलब सर बिलियर्ड्स एक खेल है, एक खेल। ठीक है बिलियर्ड्स एक खेल है। हाँ किस तरह खेला ये मतलब कहाँ खेला जाता है टेबल पे खेला जाता है, टेबल पे खेला जाता है। यू हैव, यू कैन सर्च इन गूगल। हाँ शहरों का गेम है, मैंने खेला है बिलियर्ड्स, तो टेबल पे खेला जाता है। बॉल होता है, एक स्टिक होता है, और बॉल को एक आंख से देखते हैं, स्टिक से मारते हैं, और किसी ना किसी कॉर्नर में जाकर उसको हिट होना होता है। मूवी हाँ बोलिए। में देखा हाँ इसलिए थोड़ा सा मैं भी डिस्क्राइब करने की कोशिश, शहरों में खेला जाता है, गाँव में तो होता नहीं है, गाँव में तो कबड्डी खेलेंगे पूरा एक्सरसाइज होता है हम लोगों का। तो ये जो वर्ड्स हैं अंत में एस होता है, लेकिन ये होते हैं सिंगुलर। सबका लिख दिया, एरोबिक्स एक एक्सरसाइज है, एक अभ्यास। ठीक है मैथमेटिक्स, एरोबिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, एनल्स, एनल्स याद रखिएगा, एसेट्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, इनिंग्स। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स सिंगुलर है तभी यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है, बिलियर्ड सिंगुलर है तभी यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है, बाकी शब्दों का मतलब बताने की जरूरत शायद नहीं है, बहुत इजी है। आगे बढ़ जाऊं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज, देयर आर नाउंस दैट लुक सिंगुलर विदाउट एंडिंग एस बट प्लूरल होते हैं। अभी क्या देखा, एस होता है सिंगुलर होते हैं, अभी देख रहे हैं एस नहीं होता है प्लूरल होते हैं, जैसे पोलिस, कैटल, पीपल, क्लर्जी, पोल्ट्री। क्लर्जी मतलब पादरी, इसको पढ़ते हैं क्लर्जी। और पोल्ट्री मतलब क्या बोलते हैं बताइए, पोल्ट्री मतलब क्या बोलेंगे, मुर्गी। हाँ मुर्गी आदि। तो ये पोलिस तो आप जानते हैं, कैटल मतलब पशु,
पीपल मतलब लोग, क्लर्जी मतलब पादरी, ये जितने शब्द हैं ये सारे के सारे समझ में नहीं आता है कि सिंगुलर है कि प्लुरल है। मतलब देखने से लगता है सिंगुलर है लेकिन ये होते हैं हमेशा प्लुरल, जैसे पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, है ना, पुलिस प्लुरल है, तभी तो सिंटेक्स कम सा, इसलिए तो सिंटेक्स पढ़ा था शुरू में हमने, यहाँ पे हमने लगाया ही ये, ठीक है, पोल्ट्री और यहाँ पे आर हो गया है। हाँ तो इस तरह से ये रूल्स हुए। आप एक बार फिर से रिकैप करता हूँ आज जहां से रूल्स हमने पढ़ा है, ए वाला क्या पढ़ा हमने, सिंगुलर प्लुरल फॉर्म में एक ही जैसा होता है ये सारा का सारा, सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, एडवाइस डियर बैगेज म्यूजिक स्पेसिस शिप एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट स्टोन स्कोर। फिर यहाँ पे हमने कहा कि ये हमेशा हमेशा प्लुरल होते हैं, हाँ इनका सिंगुलर में प्रयोग नहीं करते, गुड्स कंस्ट्रक्शंस सीजर्स सनग्लासेस ट्राउजर्स शॉर्ट्स थैंक्स क्लोथ स्टाफ स्पेक्टेकल्स। फिर हमने क्या कहा कि अंत में एस होता है, लगता है प्लुरल है, ऐसा नहीं, ये हमेशा सिंगुलर ही होता है, मैथमेटिक्स एरोबिक्स इकोनॉमिक्स न्यूज एनस सेट्स रिकेट्स बिलियर्ड्स इनिंग्स। फिर हमने कहा कि अब दिखने से लगता है कि सिंगुलर है लेकिन हमेशा प्लुरल ही होते हैं, पोलिस कैटल पीपल क्लर्जी पोल्ट्री। तो जो आपने रूल्स पढ़े थे 10 सिंगुलर से प्लुरल बनाने के, उसके अतिरिक्त इस सारा का सारा एक्सेप्शन है जहां पे कोई रूल नहीं है और हमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा वेट करिए बिकॉज समवन इज रिक्वेस्टिंग टू ज्वाइन। ओके अरविंद प्लीज प्लीज म्यूट योर कैमरा। जो भी है कैमरा नहीं ऑन करेंगे, हाँ आप लोग मुझे पिन करके रखेंगे, मेरा स्क्रीन आपको खाली देखना है। तो आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं और आगे हमारा एक्सरसाइज आ गया। हाँ एक्सरसाइज में क्या है, ड्रेस का क्या होगा बताइए, बताते बोलते जाइए फटाफट, माइक्रोफोन ऑन। हाँ मैं ऐसे कर देता हूँ। सेल्फ का क्या होगा, हाँ सेल्फ। स्काई का क्या होगा, हाँ हाँ ये हट जाएगा, इसका मैंने नहीं बताया है, आर ई एन हो जाता है, सी डी आर ई एन। जैसे ऑक्स का क्या होता है, ऑक्स का ऑक्सीजन होता है, ऐसे ही चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। फॉर्मूला का क्या होता है, रुक जाइए बंद करिए सभी, बंद करिए बंद करिए बंद करिए। फॉर्मूला का क्या होता है, दो होता है इसका, होता है फॉर्मूलास एंड फॉर्मूलाई। क्या पढ़ते हैं इसको, फॉर्मूलाई या फॉर्मूलाज, फॉर्मूला का होता है, दोनों होता है, दोनों सही है, याद रखिएगा। इसका ये है डाटम, ये है डाटम, डाटम का होता है डेटा, डाटा नहीं डेटा, बिल्कुल नहीं पढ़ना। हाँ जब आप लोग बोलते हैं कि मेरे मोबाइल में एमबी नहीं है जीबी नहीं है तो वो सब बोलना बंद कीजिए, डेटा बोला करिए, डेटा नहीं है, ठीक है। डेटा का मतलब आंकड़ा होता है, ऐसे अगर कहें तो। माइक्रोफोन सब बंद करिए, माइक्रोफोन बंद करिए, बोलूंगा तो बंद करिएगा, सारे के सारे बंद करिए। फिजिक्स आप जानते हैं, फिजिक्स क्या है, जिस तरह से मैथमेटिक्स था फिजिक्स, तो ये क्या है, ये हमेशा ऐसे ही होता है, फिजिक्स ही रहेगा। हाँ प्रे का, प्रे का क्या होगा, हाँ एस होगा खाली। जो नया है कंफ्यूज मत होइए क्योंकि हमने कल पढ़ा था और आज रिवीजन भी किया है, क्लास में क्लासेज हो जाएगा, ऑक्स का ऑक्सन हो जाएगा। एक मिनट होल्ड करिए, कुछ दिनों के बाद से जो भी देर से ज्वाइन करते हैं उनको परमिट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि सबको डिस्टर्ब हो जाता है। मैच का मैचेज, स्टोमक का, इसमें सी एच है ना, हमने पढ़ा था रूल, लेकिन स्टोमक, स्टोमक क्या है, एक्सेप्शन है। हाँ इसमें खाली एस लगता है, स्टोमक में खाली एस। बम्बू, बम्बू में खाली एस लगता है, ये भी एक्सेप्शन है। और स्टोन का आपने पढ़ा कि स्टोन का स्टोन से ही होता है, यही होता है। सन इन लॉ का सन्स इन लॉ हो जाएगा, आपने जाना है मेन वर्ड में, हम मेन वर्ड इंडेक्स का होता है इंडिसेस, इंडिसेस इसका बताया नहीं था मैंने, ये भी फॉरेन वर्ड है, इंडेक्स मतलब सूचकांक, इसका होता है इंडिसेस,
इसको हिंदी करें तो सूचकांक, ठीक है। लोकस का बताया था आप सबको, प्लूरल का लोकी हो जाएगा। सेल्फ का बताया था, सेल्फ का क्या होगा? सेल्फ होगा ACEL। बिलीफ का होता है बिलीफ्स, ऐसे ऐसे देखिए देखिए मेरी बात, यहाँ पे खाली एस होता है और थाउजेंड का थाउजेंड ही होता है। तो बच्चों हाँ, आज का क्लास इतना ही था, किसी को पूछना है इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया ओके। तो आप लोग मुझे एक मिनट का ब्रेक देंगे, वन मिनट ब्रेक ओनली। मैं एक मिनट में ही फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। अगला जो पोर्शन है हमारा, उस पोर्शन को लेकर